मित्रों, ये चाय बागान का क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं को जब चुनाव आता है चाय बागान याद आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल तक यहां आपकी सरकार थी, 10 साल तक केंद्र में सरकार थी, 10 साल तक केंद्र में प्रधानमंत्री आसाम से भेजे थे, मगर चाय बागान के लिए आपने क्या किया? मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ही सरकार ने चाय बागान में मजदूरी मुआवजा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 12,000 रुपया देने का काम शुरू किया है और वो सीधा उसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है। मुझे बताइए भाई, इतने साल से कांग्रेस की सरकार थी, कभी ये कर पाए थे क्या? ये करना चाहते थे क्या? वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो घुसपैठियों में अपना मत नजर आता है, वोट नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल को लेकर समाधान नहीं कर सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की पार्टी? केरल में उन्होंने समाधान कर दिया मुस्लिम लीग के साथ, जिस मुस्लिम लीग ने देश को तोड़ने का काम किया, इसके साथ समाधान किया। यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ समाधान किया, बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के नेता के साथ समाधान किया। एक कांग्रेस पार्टी मित्रों, वो जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है।